हमास ने निकाला अपना सबसे ताकतवर हथियार। अब इजराइल का कोई कोना हमास की पहुंच से दूर नहीं। इजराइल के हर शहर पर कहर बरसा सकता है हमास। करीब 100 किलोमीटर चौड़े और 400 किलोमीटर लंबे इजराइल का कोई भी शहर, कोई भी गांव और कोई भी कोना अब हमास के हमले की जद से बाहर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुधवार को हमास ने इजराइल के सामने अपनी उस ताकत की नुमाइश की जिसके बाद इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। अब तक हमास गाजा पट्टी से सटे इजराइल के इलाकों में रॉकेट दागता था, जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मार गिराता था। लेकिन बुधवार को हमास ने इजराइल पर एक ऐसी मिसाइल दागी कि उसे देखकर इजराइल के पसीने छूट गए। हमास की यह मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल थी जिसे गाजा पट्टी से दागा गया था। इस मिसाइल को इजराइल के इलत शहर को निशाना बनाकर दागा गया था। अब आप मैप पर गाजा पट्टी से इलत शहर की दूरी देखेंगे तो हमास की इस मिसाइल की ताकत को भी समझ जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमास की यह मिसाइल कहां जाकर गिरी और इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा। गाजा पट्टी बॉर्डर से इजराइल के इलत शहर की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे बसा है, जबकि इलत शहर लाल सागर के किनारे बसा है। हमास ने गाजा पट्टी से जो मिसाइलें दागी वो 220 किलोमीटर की दूरी तय कर इलत शहर तक पहुंच गई। यानी कि हमास के पास रॉकेट के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, जो इजराइल के दूसरे छोर तक पहुंचने की ताकत रखती हैं। आखिर हमास के पास ये मिसाइलें कहां से आईं? ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमास के इस मिसाइल ने इजराइल के इलत शहर तक पहुंचकर क्या किया। दरअसल हमास ने इलत शहर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी तो जरूर, और हमास की मिसाइल 220 किलोमीटर की दूरी तय कर इलत शहर भी पहुंची, लेकिन वो मिसाइल शहर की आबादी पर नहीं गिरी बल्कि शहर के बाहर किसी ऐसी जगह पर गिरी जहां किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने भी इलत शहर के पास मिसाइल गिरने की पुष्टि की है और कहा है कि उससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हमास ने इस मिसाइल का वीडियो बुधवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था। हमास के इजलदीन अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो को जारी करते हुए कहा कि अय्याश 250 नाम की लंबी दूरी की मिसाइलें थीं जो इजराइल के इलत शहर को निशाना बनाकर दागी गई थी। हालांकि वीडियो को देखकर इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हमास का ये वीडियो 25 अक्टूबर का है या काफी पुराना। अब आइए आपको बताते हैं कि हमास के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें कहां से आईं। दरअसल हमास की इस ताकत के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान ने 2014 में हमास के साथ फजर 5 मिसाइल की ताकत साझा की। इस मिसाइल की रेंज 333 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6.48 मीटर है, जिसे 10 मीटर लंबे लॉन्चर से दागा जा सकता है। हालांकि इस मिसाइल की प्रभावशाली हमले की क्षमता 68 से लेकर 75 किलोमीटर तक ही है। इसकी स्पीड 1100 मीटर प्रति सेकंड है। माना जा रहा है कि हमास की मिसाइल अय्याश 250 उसी फजर 5 तकनीक पर आधारित है जिसे हमास ने खुद तैयार किया है, और ये हथियार बनाकर हमास ने इजराइल के हर शहर, हर कोने के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।